मित्रों, आज कल के ऐतिहासिक निर्णय के बाद पहली बार अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय नड्डा जी से कि आपको संबोधित करें झारखंड के संदर्भ में। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और संडे को यहाँ आना पड़ा, इसके लिए हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हमारे जो कार्य चल रहे हैं उनको आप तक पहुँचाना भी हमारी जिम्मेवारी थी, इसलिए रविवार को ही हमको बैठना पड़ा। वैसे हम झारखंड के बारे में और झारखंड का विषय है, लेकिन राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पहली बार आपसे हम मिल रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि कल हमने स्वागत किया ही था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और सबसे बड़ी बात की यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, और समाज ने जिस तरीके से सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है उसके लिए मैं 130 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूं, समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी संगठनों को, समाज के सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि सब ने अपना बहुत ही सकारात्मक योगदान किया है। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव एंड दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ए पॉजिटिव मैनर, और यही सामाजिक सौहार्द हम बनाए रखें ऐसी मैं अपील करता हूँ। साथ ही साथ सब लोगों ने जहाँ इस पर अपना सौहार्द भी जताया है, वहीं ये हमारे प्रजातंत्र की गहराई और इसके साथ साथ सांस्कृतिक समरसता की एक पहचान हम सबको देखने को मिली है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है और जो भारत की असल ताकत को प्रदर्शित करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए पुनः एक बार इस दृष्टि से सभी को बधाई, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से विषय जो लंबे समय से रुके हुए थे, फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, ये सारे विषय जो रुके हुए थे उनको भी निर्णायक मोड़ तक ले जाने का काम हुआ है। इसलिए मोदी जी की सरकार को और मोदी जी के काम को भी हम धन्यवाद भी देते हैं उनका, और उनको बधाई भी देते हैं कि उनके नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। मित्रों, जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड के चुनाव आ गए हैं और प्रथम फेज की लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 13th है, इसलिए हमको उस चुनाव की दृष्टि से उसको डिक्लेयर करना था, और आज हम संडे को बैठे हैं और आपके सामने आए हैं। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव वातावरण, बहुत ही सकारात्मक सहयोग का वातावरण झारखंड में देखने को मिलता है। मेरे लगभग 6 विजिट्स हो चुके हैं झारखंड में, और मैं देख रहा हूँ कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन रघुवर दास जी की सरकार को मिल रहा है, और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण एक सी चेंज वहाँ देखने को मिला है, और लोगों का समर्थन भी उसी तरीके से उभर करके आया है। झारखंड वॉज नोन फॉर द हायर साइड ऑफ द करप्शन एंड लोअर साइड ऑफ द स्टेबिलिटी। 5 years back इट वॉज नोन फॉर करप्शन एंड इनस्टेबिलिटी। टुडे झारखंड इज नोन फॉर स्टेबिलिटी, फॉर डेवलपमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ रघुवर दास, एंड द करप्शन हैज बीन ब्रॉट डाउन, उसको कर्ब किया गया है, वो रोका गया है, और प्रदेश अब विकास की ओर आगे बढ़ चला है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जिसको हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, उसको सही रूप में हमको झारखंड में देखने को मिला है। यू सी, वी स्टार्टेड आयुष्मान भारत। इन आयुष्मान भारत द नंबर वॉज सम
35 लाख के आसपास परिवार, अब 68 लाख परिवार में उन्होंने एडिशन करके 57 लाख परिवार को आयुष्मान भारत में जोड़ लिया। सो दिस इज द डबल इंजन सरकार जिसको हम आपके सामने कहना चाहते हैं। वैसे ही फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वी आर गिविंग 6000 रुपीज, दे हैव एडेड 5000 ऑन ईच एकर एंड फ्रॉम 5000 टू 31000। अगर किसी का 5 एकड़ है तो 25000 हुआ, तो प्लस 6 उसमें जोड़ेंगे, 5000 प्रति उससे। तो यह एक किसान के दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है, किसान सम्मान निधि की दृष्टि से हम कह सकते हैं। उज्ज्वला की अगर हम बात करें, मैंने आयुष्मान की बात की, मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की, मैं उज्ज्वला की बात करना चाहता हूँ। वी हैव गिवन 1 गैस कनेक्शन एंड 1 सिलेंडर, दे हैव एडेड 1 मोर सिलेंडर एंड एट द सेम टाइम दे हैव अपॉइंटेड उज्ज्वला दीदी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उज्ज्वला एट द ग्रास रूट लेवल। उसी तरीके से सुकन्या योजना, राइट फ्रॉम द गर्ल चाइल्ड टेकिंग बर्थ से उसकी हायर एजुकेशन तक, स्टेज बाय स्टेज फाइनेंशियल सपोर्ट इज बीइंग गिवन। आफ्टर 5th क्लास 5000, आफ्टर 8th क्लास 5000, आफ्टर 10th क्लास 5000, आफ्टर फॉर हायर एजुकेशन सपोर्ट, फॉर मैरिज देयर इज अ सपोर्ट। तो गर्ल चाइल्ड को स्थान देना और उनको मजबूती प्रदान करना, जिसको कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, इस पर एक विशेष काम हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए 50 लाख की प्रॉपर्टी पर 1 रुपी का रजिस्ट्रेशन फीस रखा है। नाउ व्हाट इंपैक्ट इट इज गोइंग टू, इट इज मेकिंग एंड स्पेशली इन द ट्राइबल एरिया दैट पीपल आर परचेजिंग एंड लैंड इन द नेम ऑफ द लेडी, वो लेडी मालकिन बन रही है क्योंकि 50 लाख की प्रॉपर्टी पर 1 रुपी का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। दिस इज एम्पावरिंग द वुमेन। तो इस तरह की योजनाओं को चलाने का वहां पर बहुत अच्छे से काम हुआ है। हमारे अपने डाकिया योजना के तहत ये जो अनुसूचित अपने ट्राइबल एरियाज हैं उसमें 35 किलो का अनाज देना, उसकी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर वी ऑल रॉन्ग दैट 25,000 लोगों को एक साथ एक समय पर नौकरी दी गई थी एंड लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज किया था झारखंड की सरकार ने। इस तरीके का काम हुआ है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए जो पेंशन स्कीम चलाई है वह अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा में लाने में बहुत सक्षम हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि झारखंड की सरकार ने एक, जिसको कहते हैं कि बहुत ही बुनियादी परिवर्तन लाने में, वहां के सामाजिक समरसता के साथ, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, किसानों का अलग से, ट्राइबल्स का अलग से, महिलाओं का अलग से, इस तरीके से सभी के, समाज के लोगों को जोड़ने का, अनुसूचित जाति का अलग से। तो आज रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके प्रति लोगों का बहुत बड़ा रुझान है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से उनके लिए भी पेंशन की स्कीम, तो अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी स्कीम, और ट्राइबल्स के लिए तो मैंने बताया ही आपको कि 33 किलो के अनाज की व्यवस्था, ये सारी चीजें जो है वो नीचे तक पहुंचने का काम हुआ है। किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड, उनके सपोर्ट सिस्टम्स को और मजबूत करना, ये सारी चीजें हुई हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को रघुवर दास जी के प्रदेश के नेतृत्व में और मोदी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो हो रहा है और जो सारी स्कीम्स नीचे तक जा रही हैं उसने झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदली है, और इस कारण से आने वाले समय में झारखंड से बहुत अच्छे नतीजे, सरकार हम अच्छी तरीके से बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके साथ मैं अभी अरुण सिंह जी से निवेदन करूंगा, हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें जो हमारे सीट्स हैं उनके बारे में तय हुआ है। कुछ हमने फर्स्ट फेज की तो हमने सारी डिक्लेयर कर दी हैं, सेकंड फेज की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है, सभी स्टेजेस की। बाकी डिटेल्स अरुण सिंह जी आपके सामने रखेंगे। अरुण जी,
नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठक में थे और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अन्य भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी अन्य उस बैठक में चुनाव समिति में थे। और चुनाव समिति में जो नाम तय हुए हैं उन की मैं घोषणा करता हूं। कुल अभी 52 सीटों की अभी जो चुनाव समिति में उनके नाम अप्रूव किए हैं उनकी मैं यहां से घोषणा करता हूं। और 81 टोटल सीटें हैं जिसमें से इनका ब्रेकअप मैं आपको भी देता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है ऐसे श्री रघुवर दास जी जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण गिलुआ वह चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। इसके अलावा अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनका मैं आपके समक्ष नाम पढ़ता हूं। राजमहल से सिटिंग सांसद श्री अनंत ओझा वह चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश के महामंत्री हैं। बोरियो से सूर्या हंसदा, बरहट से सीमोन मोल्टो यह चुनाव पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको डिक्लेयर किया है। लिट्टीपाड़ा से श्री धनियाल किस्कू, उसके अलावा महेशपुर से श्री मिस्त्री सोरेन, शिकारीपाड़ा से श्री पारितोष सोरेन, नाला से श्री सत्यानंद झा बटुल, जामतारा से श्री वीरेंद्र मंडल, दुमका से जो अभी की रघुवर दास जी की सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर श्रीमती लुईस मरांडी वह चुनाव वहां से लड़ेंगी, जामा से सुरेश मुर्मू, झारमुंडी से श्री देवेंद्र कुंवर और मधुपुर से श्री राज पालीवाल, सारथ से श्री रणधीर सिंह, देवगढ़ से नारायण राम दास, देवगढ़ से गुड्डा से अमित मंडल, महगामा से श्री अशोक कुमार भगत, कोडरमा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव वह कोडरमा से चुनाव लड़ेंगी, बरही से श्री मनोज यादव, मांडू से श्री जेपी पटेल, हजारीबाग से सिटिंग विधायक मनीष जायसवाल यह अभी विधायक वहां से, सिमरिया से श्री किशुन कुमार दास, इसके अलावा चतरा से जनार्दन पासवान, बगोदर से डॉक्टर नागेंद्र महतो, जमुआ से श्री केदार हजारा, गिरिडीह से लड़ेंगे निर्भय शाहबादी, निर्भय शाहबादी को पार्टी ने टिकट दिया है। यहां से बेरमो से श्री योगेश्वर महतो बटुल, सिंदरी से श्री इंद्रजीत महतो, धनबाद से राज सिन्हा अभी पार्टी के विधायक हैं वहां से वह चुनाव लड़ेंगे, झरिया से श्रीमती रागिनी सिंह, उसके अलावा बागमारा से श्री ढुल्लू महतो को पार्टी ने टिकट दिया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। और बहरागोड़ा यहां से चुनाव लड़ेंगे श्री कुणाल सारंगी, गढ़शिला से लड़ेंगे लखन मार्डी, बाकी पोटका से जो एसटी सीट रिजर्व है वहां से श्रीमती मेनका सरदार लड़ेंगी और बाकी माननीय मुख्यमंत्री का मैं बता ही दिया।
ईचागढ़ से चुनाव लड़ेंगे श्री साधु चरण महतो, ये लड़ेंगे। मनोहरपुर से श्री गुरुचरण नायक, तोरपा से श्री कोचे मुंडा, खिजरी से श्री रामकुमार पहान, रांची से प्रदेश सरकार में मंत्री और जिन्होंने बहुत अच्छा काम लगातार सरकार में किया है, ऐसे श्री सीपी सिंह जी लड़ेंगे चुनाव पुनः वहीं। हटिया से सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल, गुमला से मिसिर कुजूर, बिशनपुर से डॉक्टर अशोक ओराव, सिमडेगा से श्री सदानंद बिसरा, मनिका से श्री रघुपाल सिंह, लातेहार से श्री प्रकाश राम, पांकी से श्रीमान शशि भूषण महतो, पांकी से डाल्टनगंज से श्री अशोक चौरसिया, विश्रामपुर से सिटिंग मंत्री हैं रघुवर दास जी की सरकार में श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से श्रीमती पुष्पा देवी, गढ़वा से श्री सत्येंद्र तिवारी सिटिंग विधायक, भवनाथपुर से श्री भानु प्रताप शाही। मित्रों, यह जो सीट डिक्लेयर हो रही है इसमें कुल अभी 52 सीटों का जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको अप्रूव किया, माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने जिनकी अनुमति थी, वो 52 सीटें हैं जिसमें 13 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, 13 यूथ, और इसके साथ साथ महिलाएं, 5 महिलाएं हैं इसमें आउट ऑफ 52। एससी समुदाय के 6 हैं, एसटी समुदाय के 17 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने एसटी समुदाय को इस पूरी लिस्ट में दिया 17, और ओबीसी से 21 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है वर्तमान अभी तक आउट ऑफ 52। एसटी को अभी तक जितनी घोषणा हुई है 17 सीटें अभी पार्टी ने दिया है, जो 52 सीटों की घोषणा हुई है। ओबीसी अभी तक 21 आउट ऑफ 52 महिलाएं, 5 आउट ऑफ 52, ये ध्यान देने की बात है कि आउट ऑफ 52 वर्तमान विधायक, अभी जो हमने, हाँ सब जनरल है, वर्तमान विधायक जो है उनमें जो अभी इस लिस्ट में 30 सिटिंग एमएलए हैं, 30 सिटिंग एमएलए, और केवल इसमें से 10 का टिकट कटा है। इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों का टिकट मिला है युवाओं को, जो सिटिंग एमएलए थे, क्या नहीं, नहीं वो 10 इधर का उधर, उधर का इधर है, हाँ। मतलब 30 सीटें जो वर्तमान विधायक हैं जिसमें हमारे भी आते हैं और जो हमारे साथ बीच में आए, एक मिनट, 30 को मिला है उसका मतलब, नहीं अभी 52 की सूची हमने जारी की, हाँ ठीक, हाँ जी, 52 में 30 विधायक मौजूदा सिटिंग में, इसमें से 10 सिटिंग विधायकों का आप लोगों ने टिकट काटा जी, 40 की, बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आएंगे आपके पास। तो बीजेपी ने 52 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की है जिसमें जो सिटिंग विधायक हैं लगभग सभी शामिल हैं, तमाम मंत्री जो सरकार में थे उनका भी टिकट नहीं कटा है, वो भी इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जमशेदपुर ईस्ट से रघुवर दास कैंडिडेट हैं जो इस वक्त बीजेपी के सीएम के चेहरा भी, कैंडिडेट के रूप में चेहरा भी हैं। चक्रधरपुर से लक्ष्मण गिलुआ को जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें टिकट मिला है। राजमहल से अनंत ओझा, बोरिया से सूर्या हांसदा, बरहेट से सीमोन बुल्टू, लिट्टीपाड़ा से धनियाल किस्कू, महेशपुर से मिस्त्री सोरेन,
नाला से सत्यानंद बाटुल, जामतरा से वीरेंद्र मंडल, दुमका से फिर से लुईस मरांडी किस्मत आजमाएंगी, जामा से सुदेश मुर्मू चरमुंडी, मधुपुर से राज पलिवार, सारण से रणधीर सिंह, कोडरमा से फिर से नीरा यादव पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, वहीं बरही से मनोज यादव हैं, तो मांडू से जेपी पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, हजारीबाग से मनीष जायसवाल, छतरा से जनार्दन पासवान, जमुआ से केदार हाजरा, गिरिडीह से निर्भय शाहबादी, बेरमो से योगेश्वर बाटुल, धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से रागनी सिंह को मौका दिया है बीजेपी ने, वहीं बागमारा से फिर से ढुल्लू महतो ही बीजेपी का चेहरा होंगे, बैरागोड़ा से कुणाल शारंगी जिन्होंने जेएमएम छोड़कर हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है बैरागोड़ा से, घाटशिला से लखन माडी, पोटका से मेनका सरदार पर फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने, वहीं ईचागढ़ से साधुचरण महतो, मनोहरपुर से गुरुचरण नायक, खिचड़ी से रामकुमार पाहन, रांची से फिर से सीपी सिंह बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, हटिया से नवीन जायसवाल, यानी यहां पर भी पेच फंसा हुआ था हटिया सीट पर, लेकिन यहां की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, नवीन जायसवाल यहां से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे जो अभी सिटिंग एमएलए भी हैं, विशनपुर से अशोक कुराव, सिमडेगा से सदानंद बेसरा, लातेहार से प्रकाश राम, डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया, गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी और भावनाथपुर से भानु प्रताप शाही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, 52 कैंडिडेट्स की सूची तैयार कर ली बीजेपी ने, उसकी घोषणा कर दी है और कमोबेश वही नाम वही मंत्री हैं, रिपीटेशन हुआ है, सिर्फ 10 का टिकट कटा है जो सिटिंग विधायक रहे हैं अपने अपने इलाके से, कैसा देखते हैं आप ये जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है, इससे किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे ऋषिकेश आप? जो बड़ा सवाल है, जो कहा जा रहा था कि क्या वाकई में जो मौजूदा सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे जाएंगे, पहले चरण में जिस तरीके से आप देखिए कि गढ़वा को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि क्या सत्येंद्र तिवारी का टिकट कटेगा, वहां गिरनाथ सिंह लगातार अपनी लॉबिंग कर रहे थे, जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था उसके ठीक वक्त मुख्यमंत्री और ओम माथुर के बीच में एक बैठक चल रही थी और वहां पे भी गिरिनाथ सिंह मौजूद थे, कई दौर की बैठकें हुई, उसमें भी वो लगातार परेशान दिखे, लेकिन अंततः भरोसा अपने पूर्व विधायक पर ही दिखाया, मौजूदा विधायक पर दिखाया। इसी तरीके से सीपी सिंह, रांची की जो सीट थी उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाया जा रहे थे, वहां भी कहा सीपी सिंह को ही टिकट दिया गया। नवीन जायसवाल को देखिए, हटिया से कहा जा रहा था कि आंसू से जीत है, पेच है, वहां पे भी खास करके बीजेपी ने अपने जो जेवीएम से विधायक आए थे नवीन जायसवाल, उस पर उन्होंने भरोसा जताया। ऐसे तीन जो विधायक खास करके थे, देखिए प्रकाश राम लातेहार से थे, वो भी जेवीएम से शामिल हुए थे हाल के दिनों में, तो उन्हें भी टिकट मिल गया। जो मांडू से जेपी पटेल थे वो भी जेएमएम से आए थे, उन्हें टिकट दे दिया गया। बारागोड़ा से कुणाल सारंगी थे, उन्हें भी जेएमएम से शामिल हुए थे बीजेपी में, उन्हें भी टिकट दे दिया। तो जो दूसरे दल से आए थे उनको एडजस्ट किया है पार्टी ने, स्पष्ट हो गया है, लेकिन अभी भी जो सवाल है, खास करके जो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या लोहरदगा और चंदन क्यारी का नाम अनाउंस है कि नहीं इस लिस्ट में, हमने अपने न्यूज 11 के